मगर मतलूबा जान के ऊपर हाथ रखना है इस तरीके से ये एक बहुत ख़तरनाक कदम उठाया जिसने भी ये कदम उठाया। अगर हुकूमत का ये कहना है उन्हें पता नहीं है तो फिर किसको पता, फिर वो जो सारे इल्ज़ाम लगते हैं रियासत के इदारों के ऊपर उनके बारे में क्या जवाब मिलेगा। मगर मेरा ख्याल है ये ख्याल है मेरा, आज रात तक पता चल जाएगा कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। मेरा ख्याल है ये कि पता चल ही जाएगा और कुछ किसी किस्म की कोई कानूनी इसको कपड़े पहनाए जाएंगे इसको कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गायब नहीं किया गया, वो उनको फलाने केस के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया और हम ये FIR है या इस किस्म की कोई चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ऐसे हो सकता है कि रास्ता को निकाले। ये भी हो सकता है कि वो जिन्होंने गिरफ्तार किया है कि वो जो समझाना चाहते हैं वो समझा के छोड़ भी दिया जाए, मगर मेरा ख्याल है यहाँ कोई कानून का कोई सहारा लिया जाएगा क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जैसे आपने अभी बताया कि बिलावल भुट्टो साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, HRCP, मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मैंने खुद एक पिटिशन change.org के ऊपर लगाई है कि रिलीज़ किया जाए फौरी तौर पे इनको। और अब आपने भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने भी तलब कर लिया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशल्स को कि अब बताया जाए कहाँ है क्या है। वो जो वीडियो जो रिलीज़ हुई है, जो कि दूसरे घर के सामने से रिलीज़ हुई है कैमरे की, उसके अंदर तो नज़र आ रहा है कि कुछ लोग उसमें वो कपड़े पहने हुए हैं जो कि पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हैं। तो वो तो अब जाहिर हो गया ना, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है। मेरा ख्याल है अगर छुपी हुई बात नहीं है तो फिर ये सामने आ जाएगी बात कि पुलिस ने अरेस्ट किया है या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने किया है या साइबर क्राइम वालों ने किया है या किसी ने किया है, और कुछ ना कुछ हवाला दिया जाएगा और फिर इनको पेश किया जाएगा और बेल फेल हो जाएगी, इस किस्म की कोई बात मेरा ख्याल है।